हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइंड थ्री के क्वार्टर 4 2021 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 7.50 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो फ्रेंड, अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। और फ्रेंड, चलिए अभी चलते हैं डेट के रिजल्ट पे। तो फ्रेंड, हम डेट के रिजल्ट पे आ गए हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारे करंट क्वार्टर डेटिक क्वार्टर 4 2021 के रिजल्ट है। ये हमारे पिछले क्वार्टर डेटिक क्वार्टर 3 2021 के रिजल्ट है। पिछले साल सेम क्वार्टर डेटिक क्वार्टर 4 2020 के रिजल्ट है। तो फ्रेंड, हम करंट क्वार्टर के रिजल्ट को पिछले क्वार्टर एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी वो दे रखी है ₹ मिलियन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस क्वार्टर का वो है 21,093 मिलियन। अदर इनकम है 389 मिलियन। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 21,482 मिलियन। पिछले क्वार्टर थी 20,853 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर थी 20,688 मिलियन। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल देखें तो इनकम वाइज कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी खर्चे देख लेते हैं। इस क्वार्टर के टोटल खर्चे कंपनी के वो है 17,293 मिलियन। पिछले क्वार्टर से 16,402 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर से 18,075 मिलियन। तो फ्रेंड, यदि हम खर्चे देखें तो इस क्वार्टर के खर्चे थोड़े से ज्यादा है कंपनी के पिछले क्वार्टर से। इनकम जरूर इंक्रीज हुई है, पर खर्चे थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो गए इनकम से। तभी तो फ्रेंड देखिए, प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है वो कंपनी का 4,188 मिलियन। इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर का था 4,455 मिलियन, और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 2,613 मिलियन। तो फ्रेंड देखिए, इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो पिछले क्वार्टर से कम है। क्यों? क्योंकि खर्चे थोड़े से ज्यादा है इस क्वार्टर के। दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया थोड़ा सा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो कंपनी की इनकम ज्यादा है पर खर्चे कम है ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन काफी इंप्रूव हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तभी तो इतना फर्क है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए, जहाँ पे 2,613 मिलियन है और इस क्वार्टर का है 4,188 मिलियन। चलिए फ्रेंड, अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कितना इस क्वार्टर का? वो है कंपनी का 3,173 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 3,265 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 2,062 मिलियन। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी के थोड़े से खर्चे बढ़ गए पिछले क्वार्टर से। और ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हो गया है फ्रेंड? अराउंड 55-60%। तो देखिए फ्रेंड, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और यदि हम डिक्रीज की बात करें तो कितना डिक्रीज हुआ है? अराउंड 4% ओनली। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी देख लेते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का। तो इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो है 19.26 रुपए। पिछले क्वार्टर का था 19.82 रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 12.53 रुपए। तो फ्रेंड जी देखें तो बेसिक अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। तो फ्रेंड, यदि ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी अच्छे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर थोड़े से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। और फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के इस क्वार्टर में 17.50 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो अच्छा खासा डिविडेंड है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि ओवरऑल बात करें तो कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स।